महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने से पहले राहुल गांधी को लेकर सामने आई बहुत बड़ी खबर, मचा बवाल। महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आगमन से पूर्व राज्य में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ कदम ताल करने के वास्ते तेज तेज चलने का अभ्यास और कसरत करने में जुटे हैं। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को शाम करीब 7 बजे पड़ोसी राज्य तेलंगाना से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के देगलूर में प्रवेश करेगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि वे और अन्य नेता गांधी के साथ तेज तेज चलने और व्यायाम करने का अभ्यास कर रहे हैं, जबकि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि वे यात्रा के लिए खुद को तंदुरुस्त कर रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चव्हाण ने कहा, नांदेड़ के लोग यात्रा में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब भी हमें समय मिलता है हम अभ्यास और व्यायाम कर रहे हैं, चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि पार्टी के राज्य इकाई के प्रमुख के तौर पर राहुल गांधी के साथ यात्रा के इस चरण में पूरे 382 किलोमीटर चलना उनका कर्तव्य है। कांग्रेस नेता और नांदेड़ से विधायक डीपी सावंत ने कहा कि राज्य में पार्टी नेता यात्रा के दौरान जितना हो सके पैदल चलने की कोशिश करेंगे। साथ ही सावंत ने कहा कि चव्हाण और अन्य नेता हर सुबह 5 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा अपने 14 दिनों की यात्रा के दौरान 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से गुजरेगी। यात्रा सोमवार शाम को देगलूर के मदनूर नाका पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 6:30 बजे पैदल मार्च देगलूर बस स्टैंड से शुरू होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने यात्रा के स्वागत के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, जहां राज्य का पूरा नेतृत्व मौजूद रहेगा। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।